घेर लो इन मुसलमानों को, कहीं भागने ना पाए। क्या समझ रखा है, ये मुसलमान मुर्गी है क्या कि पकड़ लोगे, काट लोगे और पका के खा जाओगे? ये है उनकी असलियत। और मैं आपसे कहने आई हूँ कि मंच पर बैठे हैं असद भाई, इनको मैंने बहुत बार कहते सुना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले यही विपक्षी का चेहरा ओढ़े ओढ़ने वाले लोग हैं। वरना क्या कारण है कि जब पूरा का पूरा मुसलमान बहुत पिछड़ा और दलित आपके साथ लगातार 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में खड़ा रहा, तो ये हार कैसे गए? इस बात का जवाब आपको ढूंढना है। जहां तथागत गौतम बुद्ध की वाणी, जहां कबीर की वाणी, जहां रहीम की वाणी सुनाई देती हो, ऐसी सरजमी शहर बनारस को सबसे पहले नमो बुद्धाय अस्सलाम अलैकुम, सलाम बनारस। आज ये पीडीएम की पहली सभा है। ये पीडीएम है क्या? अगर इसको समझना है तो सबसे पहले ये समझिए कि ये इंडिया अलायंस क्या है, ये पीडीए क्या है। क्या गलती थी हमारी? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अगर 3 राज्यसभा की सीट आपके पास है, आप 3 लोगों को नामित कर सकते हैं, तो पिछड़ा दलित मुसलमान की महिला या आम आदमी क्यों नहीं हो सकता? तो इन्होंने क्या कहा? मैंने इनसे कहा कि अगर 3 राज्यसभा की सीट है तो वो महिला क्यों नहीं हो सकती जो सड़कों पे, खेत खलियानों में तमाम दुश्वारियां झेल करके रोज कमाती है, अपने परिवार का पालन करती है, वो महिला राज्यसभा के लिए नामित क्यों नहीं हो सकती? लेकिन इनको बात समझ में नहीं आई। मैंने इनसे कहा कि अगर राज्यसभा की 3 सीटें हैं तो उसमें कोई पिछड़ा और दलित क्यों नहीं जा सकता? तो इन्होंने मुसलमान महिला को सम्मान देना इनको नागवार गुजरा। और दूसरी तरफ जिसने पिछड़ों का 3 स्तरीय आरक्षण छीनने का काम कर दिया, ऐसे सरकारी बाबू को नामित करके राज्यसभा में भेजने का काम कर दिया, ये धोखेबाज है। ना इनको महिला का सम्मान करना है और विशेष रूप से पिछड़ी दलित मुसलमान का तो बिल्कुल नहीं करना है। मुसलमान का 100% वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमान का मां बोलने में भी इनकी जबान हकलाती है, ये है सच्चाई इनकी। और जब इनकी जबान हकला रही है तो फिर मुझे जरा ये बात बताइए कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि दूसरी तरफ आप देखिए, यहीं पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए थे, उनके साथ उस यात्रा में हम भी थे, आप सबने देखा होगा। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि भैया यहाँ पर किसानों की जमीन लूटी जा रही है, भैया यहाँ पर इस देश को दुनिया में यश दिलाने वाले इन बुनकरों के हाथ का हुनर छीना जा रहा है, भैया यहाँ पर जो रोजगार में, यहाँ पर तो आपको पता है जवाब क्या मिला? जवाब आप सबने सुना, यहां पर लुटती हुई किसान की जमीन नहीं दिखाई दी उनको, यहां पर बुनकरों की भुखमरी और लुटता हुआ उनका यश और हुनर नहीं दिखाई दिया उनको, यहां पर लुटता हुआ नौजवानों का रोजगार नहीं दिखाई दिया उनको। अगर राहुल भैया को कुछ दिखाई दिया तो उनको चंद मुट्ठी भर लोग शराब पीने के बाद हिलते दुलते सड़कों पे नजर आ गए, ये है असलियत। और उनको उनको ये दिखना किसानों की लुटती जमीन, बुनकरों की भुखमरी और नौजवानों के रोजगार से बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाला और राजनीतिक अहमियत रखने वाला दिखा। क्या समझते हैं ये लोग कि आपको लूटते रहेंगे और अपने बीच में ये बातें करते रहेंगे, कौन
रखा है। ये मुसलमान मुर्गी है क्या कि पकड़ लोगे, काट लोगे और पका के खा जाओगे? ये है उनकी असलियत। और मैं आपसे कहने आई हूँ कि मंच पर बैठे हैं असद भाई, इनको मैंने बहुत बार कहते सुना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले यही विपक्षी का चेहरा ओढ़े ओढ़ने वाले लोग हैं। वरना क्या कारण है कि जब पूरा पूरा का पूरा मुसलमान बहुत पिछड़ा और दलित आपके साथ लगातार 2014 में, 2017 में, 2019 में और 2022 में खड़ा रहा, तो ये हार कैसे गए? इस बात का जवाब आपको ढूंढना है। और आपको पता है इस बात का जवाब क्या है? इस बात का जवाब इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है। इतिहास की एक बहुत मशहूर घटना है, बहुत मशहूर युद्ध है, शायद आप में से बहुत से लोगों ने सुना हो, प्लासी का युद्ध। वो युद्ध जहां पर नवाब सिराजुद्दौला, जिनके पास 18,000 की पराक्रमी सैनिकों की सेना थी, वो लड़ाई लड़े बिना ही 350 सैनिकों की सेना रखने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। पता है क्यों? ऐसा नहीं था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के वो 350 जो सैनिक थे बड़े काबिल थे, पराक्रमी थे। असलियत तो ये थी कि नवाब सिराजुद्दौला के एक एक सैनिक 100-100 पे भारी था। लेकिन उसके बावजूद नवाब सिराजुद्दौला हारे, 18,000 सैनिकों की सेना हारी। पता है क्यों? क्योंकि कमजोर सिराजुद्दौला का वो सेनापति मीर जाफर बिक गया, वो निकल गया दलाल। तो मैं आपको कहने आई हूं, आप सबका आवाहन करने आई हूं कि बार बार ये कमजोर गद्दार मीर जाफर को अपने वोटों की सौदेबाजी करने का अधिकार मत दीजिए। बार बार अगर आप उनको मौका देंगे तो वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उनको हराने की, उनको जमीन पे पटकनी देने की, उसमें वो आपके वोटों की सौदेबाजी करके आपके वोटों को बार बार तिजारत देते रहेंगे। एक ऐसे धोखेबाज गद्दार सेनापति से लाख गुना बेहतर है आप एक ईमानदार सेनापति को चुनने का काम करें, जो कम से कम आपके दुख और सुख में आपके साथ खड़ा तो होगा। इसलिए मैं आप सभी नौजवान साथियों का, झरोखे के पीछे खड़ी अपनी महिलाओं, माताओं, बहनों का, बुजुर्गान का, सबका आह्वान करने आई हूं कि याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का अगर मादा किसी में है तो उसी आम आदमी में है जो दिन रात मेहनत करता है और 2 जून की रोटी कमाता है। वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर खनन घोटाले की जांच चल रही हो। वो कभी नहीं कर सकता जिसके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले हो। वो कभी नहीं कर सकता जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का दलदल है और उस दलदल में घुस करके, उतर करके, वापस उबर करके अगर कोई आएगा तो वही आदमी आ सकता है जिसके पास ईमान हो और जिसके रगों में मेहनत का खून बहता हो। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि ये पीडीएम आपका है, पिछड़ा दलित मुसलमान, हम आपकी ताकत आपके साथ खड़े होकर के बढ़ाने आए हैं। और आप लोगों का आह्वान करने आई हूं कि पूरी ताकत से एक बार एक साथ आ जाइए, इनको धूल चटा देंगे और इनको बताने का काम करेंगे कि जब जब इस देश का किसान, मजदूर, कमेरा समाज जागता है, मेहनत कर समाज जागता है, तो बड़ी बड़ी सल्तनत हिल जाती है। ये बताने हम आपके बीच में आए, हम आपसे ये कहने आए हैं कि याद रखिए, ये जो लोग हैं ये बड़ी चतुराई से आपके बीच में आएंगे, आपको उल्टी सीधी बातें भी समझाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है, हमको ये याद रखना है कि आपने किया क्या है। आपने 2014 में इनको मौका दिया,
2019 में इनको मौका दिया, अब 2024 में भी इनको मौका देना चाहते हैं। लेकिन मौका देने से पहले इनसे ये तो पूछ लीजिए कि 10 सालों में इन्होंने किया क्या है। क्या 10 सालों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो कैंपस जो अपने आप ने अपने आप को एक मॉडल कैंपस के रूप में डेवलप किया था और जहां से निकलने वाले छात्र छात्राएं विश्व में अपनी क्षमता का लोहा मनवाते थे, आज उन लोगों की बौद्धिक क्षमता क्या विकसित हुई है? इन लोगों से पूछिए कि 10 साल में इस देश का किसान, इस देश का कमेरा जो खेत खलिहानों से फसल निकाल करके इस धरती का मान बढ़ाता था, क्या आज उसको वो सम्मान मिल पाया है? इन लोगों से पूछिए कि दुनिया भर में अपने हाथों के हुनर से इस देश को और इस धरती को यश दिलाने वाले, क्या इन बुनकरों की जिंदगी में कोई बढ़ोतरी हुई है? क्या उनकी कला में कोई इजाफा हुआ है? अगर नहीं तो फिर तीसरी बार इनको मौका क्यों? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी रोजी रोटी तक है? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी शिक्षा तक है? अगर इनको तीसरी बार मौका दिया तो याद रखिएगा, 2000 में मौका मिला तो घाट बेचे, बनारस का इतिहास बेचा, ये देश बेच रहे हैं और प्रदेश बेच रहे हैं। और हम लोग जो बनारस के रहने वाले हैं और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जिनकी पहचान और जिनकी जिंदगी इस गंगा मैया पर निर्भर है, आश्रित है, और जो हमें संस्कृति देती है, सभ्यता देती है और सदियों सदियों से आस्था का प्रतीक है, उसको बचाना और उस बनारस की विरासत को रखना सजोकर, ये सब भी हम बनारसियों की जिम्मेदारी है। लेकिन आज 2024 में ये याद रखिएगा कि इनको मचा कुचा बनारस का एक इंच भी नहीं देना है और खदेड़ देना है बनारस की सेना सीमा के बाहर इनको, और याद दिला देना है कि ये आम जनता का चुनाव है, ये आम जनता का निर्णय है। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं कि याद रखिएगा, ये आपके बीच में तमाम उगालते लेके आएंगे, तमाम बातें कहेंगे, लेकिन अपने बीच में आसपास देखिए, बड़े होशियार लोग हैं ये, क्या बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है तो आप लोगों से एक सवाल पूछती हूं, जब इसी बनारस में उच्च सदन में नेता पक्ष इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब किसानों की जमीन काशी गेट के नाम पर, वैदिक सिटी के नाम पर, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर लूटी जा रही थी, तब इस धरती का वो सांसद चुप क्यों था? उसने धोखा दिया है हम सबको, और धोखा दिया है तो अब उसका फल भुगतने को भी तैयार रहे। आज चारों तरफ लूट मची हुई है और किसी भी तरफ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी का हुआ है तो पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है, और पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है, और पिछड़ा दलित मुसलमान का शोषण करने वालों के सामने जिन्होंने विपक्षी गठबंधन बनाया और जिन्होंने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी को सिरे से गिराने का काम करेंगे, तो मैं उनको चुनौती देती हूं कि दुनिया भर में क्यों घूम रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी को धूल जगाना चाहते हैं तो शुरुआत बनारस से क्यों नहीं करते? कन्नौज का रुख क्यों कर लिया है? मैं आपसे कहने आई हूं कि आज आइए, चुनौती देती हूँ उन विपक्षी दलों को कि यहाँ आइए और यहाँ पर चुनौती स्वीकार करिए। इसी मंच से मेरे सभी सम्मानित सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने घोषणा कर रही हूँ कि अगर हिम्मत है और यहाँ लड़ने आएंगे तो पीडीएम बिना शर्त उनका सहयोग करेगा, समर्थन में उतर जाएगा। लेकिन हिम्मत हो तब ना, अगर हिम्मत होती तो वो व्यक्ति जो 10 साल से बनारस को लूट रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी है, उसके सामने खुद दुहरते ना कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को उठा करके हम सबको ठगने का काम कर देते। अरे चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो समाज, जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं उनसे कहने आई हूं कि जिस दिन ये समाज
जाग गया, मान लीजिए आप सबका खेल खत्म। और अब मौका है कि आपके साथ असद साहब खड़े हैं आशीर्वाद देने के लिए, पटेल राजमाता खड़ी है हमारा सहयोग और ताकत बढ़ाने के लिए, माननीय बिंद जी और बाबू रामपाल जी खड़े हैं। बस थोड़ा सा उत्साह लगा लीजिए, थोड़ी सी शक्ति लगा लीजिए और इस बार बेड़ा पार कर दीजिए। ये कहते हैं कि बीजेपी को, ये कहते हैं बीजेपी को ये हराएंगे, और हमको कहते हैं कि हम बी टीम हैं। अगर हम बी टीम हैं तो आपने इस विधानसभा के सदन में मेरी सारी उपस्थितियां देखी हैं, आपने सुना है और आपने देखा है। आप लोगों ने सड़कों पे मेरा संघर्ष देखा है कि जब जब मेहनत कर समाज ने, का मेरा समाज ने मुझे आवाज दी है, मैं उनके साथ खड़े होकर के सड़क से सदन तक लड़ने का मैंने काम किया है। अगर आपको किसी को भी मेरे उन कार्यों में, मेरी सोच में अगर जरा सी भी मिलावट समझ में आती है, दिखती है तो बता दीजिए। तो अगर मिलावट नहीं दिखती तो बी टीम हम कैसे हुए? असल में उनको समझ में आ गया है कि बीजेपी की ए टीम और बी टीम दोनों वही हैं। बस वक्त का इंतजार है कि आप कितनी जल्दी उनको डंडे की और लाठी की चोट पे समझाने का काम करते हैं कि पीडीएम बी टीम नहीं है, पीडीएम आम आदमी की सेना है, मेहनत का समाज की सेना है। और अगर बीजेपी को कोई टक्कर देकर के गिरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम गिरा सकता है। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि याद रखिएगा आज, और इनको चुनौती भी दे रही हूं कि हम लोग कौन हैं। हम लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, बीपीएल, और हम लोग वो हैं जिनको ये 5 किलो राशन लेकर के अपने पक्ष में कर रहे हैं। तो मैं चुनौती देती हूँ सरकार को और उनकी तमाम एजेंसियों को कि आप जाएं, गलियों में जाएं और ये बताने का काम करें कि आपकी लिस्ट में और आपकी योजनाओं में जो लोग बीपीएल के अंतर्गत अंकित हैं, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? आज शिक्षा के अभाव में जिस बच्चे की जिंदगी अंधेरे में गुजर रही है, क्या वो इस देश का पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? जिसको दवाई के अभाव में जिसकी जान जा रही है, जिस बच्चे की, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? वो नौजवान जो डिग्री लेकर के बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहा है और उसकी जवानी और जिंदगी बेभना घूम रही है, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान नहीं है? किसी भी झरोके से देखिए, किसी भी कोने से देखिए, जहां भी नजर डालेंगे सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है तो पिछड़ा दलित मुसलमान का हुआ है। इसलिए आप लोग का आह्वान करने आई हूँ कि निकल पड़िए अपने घरों से और बिल्कुल भी षड्यंत्र के चक्कर में मत पड़िएगा। इस बार पूरी ताकत लगा दीजिए पीडीएम के लिए और उनको समझाने में कि हम समझ गए हैं कि इस बार हमारी लड़ाई किसी को हराने जिताने की नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप को जिताने की है, अपने समाज, अपने कौम को जिताने की है, हमारे बाल बच्चों की है और इस बात की है कि कल अपनी पीढ़ियों के सामने हम ये उदाहरण रख सके कि बच्चों हम लड़े, हम खड़े हुए, हमने मुकाबला किया और इनको गिरा करके हम विजयी हुए। इस साथ के साथ, इस ताकत के साथ हमको आगे बढ़ना है। कैसे होता है ये कि 2022 में ये पिछड़ा दलित मुसलमान घंटों लाइन में लग करके इनको वोट दिया और उसके बाद नतीजा क्या निकला? मैं सिराथू से चुनाव लड़ी और मैंने वहां पर आताताई भ्रष्टाचारी, जो उप मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, केशव मौर्य को पटकनी देने का काम किया। तो जब मैं वहां पर जीत गई तो पूरे प्रदेश में ये पिछड़ा दलित मुसलमान कैसे हारा, पता है कैसे हारा? वो बैठा है ना कमजर्फ मीर, मीर जाफर, वो ना खुद जीत रहा है, ना हमको जीतने दे रहा है और ना लड़ने दे रहा है। इसलिए आप लोगों से बोल रही हूं कि षड्यंत्र के जाल से बाहर आइए और पूरी ताकत से इस झंडे को, इस पीडीएम को लेकर के खड़े हो जाइए और एक सुर में बोलिए कि जीतेगा तो पीडीएम जीतेगा, और अगर इनको निकालेगा कोई यहां से बाहर तो पीडीएम निकालेगा।
ये क्या कह रहे थे? आपको पता है कि तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज तक बनारस की धरती पर सिर्फ मेहनत कश समाज का राज रहा है। और ये आपके बीच में क्या बोल के आए थे? ये आपके बीच में ये बोल के आए थे कि मैं पटेल का चेला हूं। तो अगर पटेल के चेले हो तो इस बात का जवाब दो कि जब पटेलों की जमीन तुम्हारा ही शासन, तुम्हारी ही सरकार खींचने का काम कर रही थी, लूटने का काम कर रही थी, तब तुम कहां थे? और मोदी जी ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम पटेल के चेला हो तो मैं पटेल की औलाद हूं और मेरा नाम पल्लवी पटेल है। तुम उनके चेला हो लेकिन मैं किसी की चेली चाटी नहीं हूं। मैं सवाल पूछूंगी और तुम्हें जवाब देना होगा। जवाब दो इस बात का कि बुनकर का भविष्य कहां है। जवाब दो इस बात का कि मेरे नौजवान साथियों का रोजगार कहां है। जवाब दो इस बात का कि इस देश के, इस प्रदेश के किसान का हिस्सा कहां है। आपको जवाब देना हो इस बात का। और आप क्या कह रहे हैं? क्या आप इस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? क्या आप जी चुरा सकते हैं, मन चुरा सकते हैं? इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आपके शासनकाल में दलित के सिर से पेशाब कर दी जाती है। क्या आप इस बात की जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि आपके शासन में जहां जहां भी आपका शासन है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा सरकारी सिक्योरिटी में अगर किसी को टॉर्चर किया गया है सरकारी महकमे के द्वारा, तो वह पिछड़ा दलित मुसलमान है। क्या आप इस बात की जिम्मेदारी से भाग सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर सामंतवादी ताकतों ने दोबारा सर उठाया है तो आपके शासनकाल में उठाया है? क्या आप इस बात से जी चुरा सकते हैं, जवाबदेही से भाग सकते हैं कि वो लोग कि जिनके घर गिराए गए, जिनकी प्रॉपर्टियों की कब्जे रखे गए, वो लोग तमाम वो लोग हैं जो पिछड़ा दलित मुसलमान के हैं? मैं आप लोगों से कहने आई हूँ और अर्ज करने आई हूँ कि पूरी ताकत से पीडीएम में लग जाइएगा और हम लोग आप लोगों को उस ताकत तक ले जाने का काम करेंगे जो आपकी हिस्सेदारी है और जो आपकी हकदारी है। हमने यही सोच करके पिछड़ा दलित मुसलमान का नारा दिया, जो पूर्ण शुद्धता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है और जिसमें संकल्पों और विचारों की 100% गारंटी है। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि आप लोगों को हाजिर नाजिर मानते हुए ये वादा कर रही हूँ कि अगर हम सत्ता में आए तो इस देश में सबसे पहला काम जो होगा वो होगा जातिवार जनगणना। आपके बीच में कोई भी बड़ा मेमोरेंडम घोषणा पत्र लेके नहीं आई हूँ, कोई झूठे वादों की फेहरिस्त नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ संकल्प कि जातिवार जनगणना होगी, एक एक की गिनती होगी और जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, शिक्षा, रोजगार, सदन, पैसा, कमाई, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य में होगी आपकी उतनी हिस्सेदारी और जितनी होगी आपकी हिस्सेदारी इस देश को आगे बढ़ाने में होगी आपकी जिम्मेदारी। आप सब लोगों ने बहुत हौसला अफजाई की है, बहुत ध्यान से सुना है। बस अंत में अपनी दो बातें कहते हुए आप सभी लोगों से रजा लूंगी कि बनारस ने बड़े बड़े इतिहास बनाए हैं, तो कभी ये सोच के डर मत जाइएगा कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। अगर बीजेपी को हराने का दावा करने वाली बीजेपी की ये ए टीम नहीं हरा पाएंगी तो हम पीडीएम मिलकर के मोदी जी को रफा दफा कर देंगे। इस वादे के साथ और उदाहरण के साथ कि आप सभी को 1977 का वो चुनाव याद होगा जब लोकबंधु जननायक राजनारायण जो आपकी धरती पर पैदा हुए, उन्होंने तत्कालीन आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को धूल चटाने का काम किया था। तो जब आयरन लेडी हारी, जब उस वक्त की आयरन लेडी हारी आम जनता के हाथ, तो इस वक्त ये झुंडा भी हारेगा इस देश की आम जनता के हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, पुनः आप सभी को सलाम करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय संविधान, शबक है। जब भी बढ़ जाते हैं पत्थर चलाने वाले, कम नहीं होते हैं आईना बनाने वाले।
टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं जर्रा जर्रा, लेकिन आईना फिर भी बनाते हैं आईना बनाने वाले, आईना फिर भी बनाते हैं आईना बनाने वाले।